This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई इशू आपको फेस करना पड़ा, तो आप लोग लेक्चर के स्टार्ट में ही पूछ सकते हो, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बंदा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अपडेट कर दे और फेसबुक के सीक्रेट ग्रुप में भी अपडेट कर दे कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है, ताकि जो है वो जो जो स्टूडेंट जिनको पता नहीं चला या जिनको टाइमिंग का नहीं पता, तो वो भी ज्वाइन कर लें। आज एक शॉर्ट सा टेस्ट होगा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगा। किसी ये 5 सवाल है, जवाब आप लोगों ने लिख के इधर चैट में मुझे भेजने हैं। और आपके पास टाइम है सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट है। अभी हो रहे हैं 9:09 और 9:25 पे आप लोगों ने इधर चैट में ही तमाम सवालों के एक ही दफा जवाब लिख के इधर चैट में ही मुझे भेज देने हैं। और हर बंदे ने जिसको सवाल का जवाब नहीं आएगा वो उस सवाल के नीचे लिख देगा आई डोंट नो। ठीक है, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये सारे मैंने शॉर्ट टेस्ट बता दिए, ये सवाल बता दिए, व्हाट इज SEO, व्हाई यू नीड टू लर्न, हाउ गूगल इंडेक्स आवर वेबसाइट, व्हिच वन हेल्प अस गेट बेटर रैंकिंग, डोमेन एज और वेबसाइट स्पीड, व्हाट टू चेक बिफोर बाइंग ए डोमेन नेम, ये 5 सवाल है। ठीक हो गया।
उमर एक ही दफा सारे सवालों के जवाब लिख के ना, ठीक है, वन बाय वन, और वो आपने चैट में मुझे भेज देने सारे, ठीक है, एक एक करके नहीं भेजने, एक ही दफा में सारे जवाब लिख के भेज देने। ठीक
उमर आपका अभी तक जवाब नहीं आया, और बशारत आपने भी अलग अलग जवाब दिया है कि आप लोग दोनों। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी टाइम है, आप लोग इकट्ठा सवालों के जवाब ना, इकट्ठे जो जो भी लिख रहा है ना, इकट्ठे जवाब लिख के उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक हो गया? मैं वेट कर रहा हूँ।
ठीक हो गया उमर, मैं आपका सवालों के जवाब पढ़ रहा हूँ। सबसे मेरा पोजीशन ठीक जी, बशारत अब आप भेजो। बिल्कुल बिल्कुल। पांचवें सवाल का ना जवाब सही नहीं लिखा आपने बशारत, मैंने पढ़ ली सॉरी, ये बशारत नहीं, ये तो है उमर। उमर पांचवें सवाल का जवाब आपने सही नहीं दिया, बाकी आपने जो जवाब दिया ना वो ठीक है। ठीक हो गया हाँ बशारत, अब आपके बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। आप दोनों ने सही है। अच्छा लास्ट का ना, लास्ट सवाल का ये जवाब है, व्हाट टू चेक बिफोर बाइंग ए डोमेन नेम। आप लोगों को शायद भूल गया, मगर मैंने बताया था कि आप लोगों ने जो टूल है वे बैक मशीन में चेक करना है कि आया कि ये डोमेन पहले खरीदी तो नहीं गई, पहले यूज तो नहीं हुई। आप लोगों ने डोमेन बाइंग वाला लेक्चर प्रॉपरली नहीं लिया, वो लेक्चर आप लोगों को जरूर लेना चाहिए, वे बैक मशीन। आप बशारत, आप लेक्चर चेक करोगे ना, लेक्चर वॉच करोगे, फिर सारा याद आ जाएगा। आप लोगों ने वो लेक्चर सही तरह से लिया ही नहीं है, और आप लोग इस इट मीन्स कि आप लोग असाइनमेंट बना ही नहीं रहे, यानी कि कहीं पे नोट्स वगैरह भी नहीं बना रहे ना। ठीक है, वे बैक मशीन में हमने डोमेन को चेक करना होता है जी, के आया के आया कि इस डोमेन को पहले किसी ने खरीदा तो नहीं है। हाँ जी ठीक है, अगर आप बना रहे हो ना, इसको आप लोगों ने रिपीट कर लेना है उमर, ठीक है, और बशारत आप भी, और बाकी भी जितने स्टूडेंट इस टाइम जिन्होंने जिन्होंने अभी सवालों के जवाब देने हैं वो भी साथ साथ दे दें। बाकी मैं अब लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ताकि हम इसको हाँ जी ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, और आप लोगों का आज जो तो वेबसाइट बनाने का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। वॉइस का इशू नहीं आ रहा, बेसिकली मैं स्लो स्लो खुद ही बोल रहा हूँ, मैं तेजी के साथ बोल नहीं रहा एक्चुअली।
जस्ट अ मिनट में अच्छा कल आप लोगों को मैंने मेन प्लगइन्स के बारे में बता दिया था कि कैसे आप लोगों ने उन प्लगइन को इंस्टॉल करना है और उन प्लगइन्स का बेनिफिट क्या है हमें हमारे इस ब्लॉग को जो ब्लॉग हम इंस्टॉल करें उसके लिए WPDB मैनेजर ये वर्डप्रेस का डेटाबेस का बैकअप लेके हमें ईमेल इसके जरिए मिलती रहेगी। कभी कुछ भी हमारे हमारी वेबसाइट पर होता है तो ये प्लगइन होगा इसके जरिए आया होगा उसमें हम दिस वन लेस्टर गेमर्स चैनल अच्छा जैसे हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया क्लियर कर डेटाबेस में आए ऑप्शन है मैनेज कर अच्छा भी मैनेज बैकअप ऑप्शन हम इसकी सेटिंग कर देंगे कि डेटाबेस जो है हमें मिलता है क्योंकि मेन दो चीजें मेन होती हैं एक फाइल एक डेटाबेस दूसरा फाइल्स
जो डेटाबेस होता है उसका बैकअप यहाँ से मिलता है, और फाइल्स हम डायरेक्टली सी पैनल में जो बैकअप का ऑप्शन है वहां से ले सकते हैं, वहां से वैसे तो दोनों का ही हम बैकअप ले सकते हैं, मगर ये एक हम डेटाबेस का बैकअप ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहता है, हम ये प्लगइन साथ में कर लेते हैं। यहाँ पर जीजीपीएस वीकली और वो कहाँ पे मेल आए, हाँ हो गए इंपॉर्टेंट प्लगइन्स और हमारी जो ब्लॉग है, हमारी जो वेबसाइट है उसकी सेटिंग। इसलिए अब हम आ जाते हैं प्लगइन की तरफ, थीम की तरफ। थीम कौन सा हम लगाएंगे? बेसिकली थीम जो है वो अगर हम एडसेंस की टाइप बनाने जा रहे हैं तो मैगजीन टाइप थीम, मैगजीन स्टाइल थीम, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूँ। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है थीम फॉरेस्ट, यहाँ पे टॉप के थीम्स हमें मिल जाते हैं जो हम परचेज कर सकते हैं, और ये टेस्ट मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। जो बंदा लाइव अटेंड करता जाएगा वो सीखता जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये जैसे न्यूज़पेपर थीम है, इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम है। सहीफा थीम है, ये हम ये सही का ये मैगजीन स्टाइल थीम है, ठीक है। ये एक अच्छा थीम है, एडसेंस के लिए बेस्ट है ये। और न्यूज़पेपर, ये वैसे ही बड़ा पॉपुलर थीम है, न्यूज़पेपर एक्स के नाम से ये थीम है। अगर डेमो आप देखो बहुत जबरदस्त थीम है हमें, क्योंकि जब हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो हम जब तक मैगजीन टाइप थीम नहीं यूज करेंगे, हम अपनी वेबसाइट में प्रॉपर कंटेंट नहीं ऐड करेंगे, हमें अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। जब अप्रूवल ही नहीं मिलेगा तो हम एडसेंस से तो पैसे नहीं बना सकेंगे ना। जो भी साइट हो, फॉर एग्जाम्पल क्लिक बैंक की साइट है, अमेजोन की साइट है, हर साइट की टाइप के हिसाब से उसमें उसका थीम हमने लगाना है। बेसिकली ये एक अच्छा एक स्टाइल है एडसेंस के लिए, लाइक ये मैगजीन प्रो के नाम से है। ये एक अच्छा स्टाइल है टेक न्यूज, ये एक अच्छा स्टाइल गैजेट, ये एक अच्छा स्टाइल है। तो थीम बहुत मैटर करता है जब आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हो। वैसे मैंने ये थीम परचेज किया हुआ लाइफ टाइम, ये होता लिमिटेड डोमेन्स के लिए है, ये नहीं होता कि मैंने खरीद लिया तो मैं सभी को दे दूं। इस तरह
अलाउ नहीं होता ना। अदरवाइज मैं दे देता, यानी कि अगर आपको डेमो चाहिए ना तो डेमो आप इंपोर्ट नहीं कर सकोगे। वैसे थीम तो मैं दे दूंगा, डेमो आप इंपोर्ट नहीं कर सकोगे। बहुत ज्यादा इन्होंने जो है डेमो बना दिए हैं। ये बहुत पॉपुलर थीम है। ऑलमोस्ट तमाम मेन जो कैटेगरीज है उनको इन्होंने कवर कर लिया हुआ है। अच्छा, कोई वेबसाइट अगर आपकी रैंक नहीं करती ना, उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह आपका राइटर होता है, दूसरी वजह आप ऐसा थीम यूज कर लेते हो जो नर्ड या क्रैक होता है, ठीक है, किसी दोस्त से आपने ले लिया, मतलब किसी से गाइडलाइन नहीं ली, मुझसे गाइडलाइन फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं ली, आपने ऐसी थीम लगा दिया। तो जब ये काम आप करोगे तो ये ध्यान में रखना है कि आप का जो आपकी जो साइट है वो रैंकिंग में नहीं आएगी। समझ आ रही है बात की? रैंकिंग में नहीं आएगी। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने या तो मैंने आप लोगों के साथ मैं जो थीम शेयर करूंगा या वो थीम आप लगा लोगे या आप परचेज कर लोगे या आप मुझसे यही फॉर एग्जाम्पल न्यूज पेपर 7 थीम ले लेते हो, इसका डेमो आप लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकोगे, फिर डिफॉल्ट थीम लेके चल सकोगे। मगर आपको चाहिए ऐसा ही सेटअप स्टार्ट में जो कि क्रैक या नर्ड ना हो मगर वो अप टू डेट थीम हो। ये ना कि पुराना वर्जन उसका आपको कोई मिल गया और आप कह रहे हो कि कोई वर्जन जो है वो आप लगा लो, इस तरह नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई सारी बात की? डीवी, हाँ डीवी थीम जो है ना बहुत जबरदस्त है उमर। हाँ जी, सहीफा, जरीदा, ये सारे ओल्ड थीम है, बड़े जबरदस्त थीम है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को दिखाना था कि आप लोगों ने जब भी कोई साइट स्टार्ट करनी है तो एडसेंस की साइट के लिए मैगजीन टाइप। अच्छा, और जो आप अमेजोन यानी कि मल्टी पर्पज मल्टी टॉपिक थीम आपको चाहिए होगा, जितने हद तक पॉसिबल होगा अच्छे थीम्स मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। क्रैक या नर्ड नेट से डाउनलोड करके नहीं यूज करना, एडसेंस बैन हो चुका है लोगों का, ठीक है। एलिमेंटर एक प्लगइन है, अच्छा उसके अलावा ना मैं जब मुझे लाइक वन पेज या कह लो कि वन प्रोडक्ट साइट बनानी होती है या मल्टीपर्पज साइट बनानी होती है तो मैं एक ही थीम यूज करता हूँ, उसका नाम है बी थीम। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ,
आप भूमि बनी है तुम भी। मैं मोस्टली साइड्स जो है ना इसी में बनाता हूँ, बी थीम में। इसमें 500 प्लस डेमोज मौजूद है, 500 प्लस। इसमें इन्होंने अंत मचा के रख दिया था। इससे ज्यादा अच्छा थीम आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसमें इतने ज्यादा ऑप्शन थे। तो ये मेरे पास, मैंने ये भी परचेज किया हुआ है थीम पर से। मैं इसलिए ये परचेजिंग मेरी लाइफ टाइम की मेरे लिए फायदा पहुंचाती है मुझे। ये लिखा हुआ है 500 प्लस प्री बिल्ट वेबसाइट्स। कोई भी टॉपिक, मुझे किसी भी टॉपिक पे मुझे साइट बनानी है, तो मैं यहाँ से डेमो को इंपोर्ट करके, और क्योंकि मैंने परचेज किया हुआ तो डेमो में इजीली इंपोर्ट कर सकता हूँ। डेमो को इंपोर्ट करके और मैं उसकी सेटिंग करके साइट रेडी कर लेता हूँ। टाइम लगता है, ये नहीं कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है, बट आप ये देखो इसमें हर टॉपिक की साइट बनाई जा सकती है इस थीम को यूज करके। यानी कि वन प्रोडक्ट साइट भी बनाई जा सकती है, मल्टी प्रोडक्ट साइट भी बनाई जा सकती है। अच्छा, मल्टी पर्पज या मल्टी मल्टी टॉपिक जो साइट होती है उसके लिए मैगजीन थीम बेस्ट रहता है, उसके लिए भी, एडसेंस के लिए भी, क्योंकि एडसेंस में भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करते हैं, और अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप उसी को यूज करोगे। अच्छा, उसके अलावा सीपीए मार्केटिंग के लिए भी उसी मल्टीपर्पज थीम को आप यूज करोगे। ये थीम को चूज करना बड़ा मायने रखता है, ठीक है? तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना। जब तक इसमें आर्टिकल नहीं आएंगे साइड में, साइड की लुक नहीं निकलेगी। लुक निकलती है आर्टिकल्स डालने से, आर्टिकल्स में इमेजेस डालने से, वीडियो डालने से। जितनी जितने ज्यादा आर्टिकल साइट के अंदर होंगे, उतनी ज्यादा साइट खिली खिली यूजर को मिलेगी, और उतना यूजर का दिल करेगा उस वेबसाइट के मजीद आर्टिकल्स को पढ़ना। जब ज्यादा आर्टिकल को पढ़ेगा तो बाउंस रेट कम होगा, जब बाउंस रेट कम होगा तो रैंकिंग बढ़ेगी। ये हमने थीम एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप विजिट्स एंड मेन्यू, इसको समझना जरूरी है। आप जो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग जो साइट अपनी बनाते हैं, इसमें मेन्यू एंड विजिट्स, इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। विजिट्स जो होते हैं ये साइड बार या फुटर या जो भी एरिया है जहां पर ऑप्शंस ऐड हम कर सकते हैं, उसमें ऑप्शंस को ऐड या रिमूव हम कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह और मेन्यू, मेन्यू जो है हमारी वेबसाइट की नेविगेशन,
हमारी वेबसाइट में, जब तक हमारी वेबसाइट एक प्रॉपर रेडी नहीं होगी, एसईओ है यूजर एक्सपीरियंस का नाम। अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। जब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। समझ आ रही बात? तो हम लोगों ने, जब तक मैं आप लोगों को आर्टिकल करने तक, ऑन पेज एसईओ करने तक नहीं सिखाऊंगा, तब तक आप लोगों ने यहाँ तक अपनी साइट रेडी करके रखनी है। अच्छा, जो हम आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे वो पोस्ट में करेंगे, क्योंकि कैटेगरीज, कैटेगरी वाइज हम अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल पब्लिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे, लाइक प्रोस्पेक्टस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, वो हम पेजेस के तौर पे ऐड करेंगे। दोनों ही पोस्टें होती हैं, मगर पेजेस अलग, पोस्ट अलग इसलिए है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे हमारी वेबसाइट के, जो के चाहे क्लिकबैंक की साइट हम बनाए, चाहे अमेज़न की, चाहे सीपीए मार्केटिंग की, चाहे एडसेंस की, उसमें ये 4 पेजेस का, 5 पेजेस का होना जरूरी है। अबाउट अस, प्रोटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये जो पेजेस है, ठीक है, ये मैंने पहले भी मेंशन किया, तो वो हम एज अ पेज के तौर पे ऐड करेंगे। ठीक है। और जो हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे, जो विनिंग कीवर्ड्स है उन पे जो आर्टिकल पब्लिश करेंगे, वो पोस्ट के तौर पे ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें फिर हम कैटेगरी वाइज आर्टिकल पब्लिश करते जाएंगे। ठीक है। ये लाइक कॉन्टेक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी को हमने पेजेस में ही डाला है। ठीक है। और इसको हमने अपनी वेबसाइट के होम पेज के फुटर में, ये हेडर में और फुटर में लगा देना है। ठीक है। फुटर में अभी हमने नहीं लगाया, हेडर में हमने कॉन्टेक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस को ऐड कर दिया। ऐसे हमने अपनी साइट की लुक पे काम करना है, अपनी वेबसाइट के ऑप्शंस पे काम करना है। एक दफा वेबसाइट को सेट करके उसके बाद आर्टिकल जस्ट पब्लिश करते जाना है, और एडसेंस के लिए हम अप्लाई कर देंगे, हमें एडसेंस आज के लिए इतना ही, इस हफ्ते के लिए इतना ही, आप लोगों ने यहाँ तक करके आना। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा फ्रीलांसिंग का लेक्चर स्टार्ट होगा, उसमें मैं आप लोगों को फाइवर पे काम करना सिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और कैसे स्टूडेंट्स $1,000, $1,500 तक का ऑर्डर एक एक क्लाइंट से ले रहे हैं एसईओ के सर्विसेज दे के। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जजाकअल्लाह।